अबाउट अलाइनमेंट्स, बेसिकली कि किस तरीके से अलाइनमेंट करते हैं हम लोग. सो यू नो अलग अलग तरीके के अलाइनमेंट्स होते हैं, कैन एनीवन टेल मी? मल्टीपल और पेयर वाइज अलाइनमेंट मतलब, और एक ग्लोबल लोकल भी होता है मतलब, तो पता है. ओके तो अच्छा, बिफोर गोइंग इनटू द अलाइनमेंट पार्ट, एक छोटा सा एक्सरसाइज है दैट वी नीड टू डू, व्हाट इज नोन एज अ कंपैरिजन, कि किसी भी दो सीक्वेंसेस को हम किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं. सो देयर इज समथिंग इन बिल्ट इन पाइथन व्हिच विल गिव यू एन एरर इफ यू ट्राई टू डू दैट. जो हम बेसिक स्ट्रिंग्स के लिए करते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम स्ट्रिंग्स बना रहे थे एंड हम जब कंपेयर कर रहे थे स्ट्रिंग्स को, तो हम डायरेक्टली हम लोग लिख दे रहे थे कि इफ आर स्ट्रिंग वन इज इक्वल टू स्ट्रिंग्स टू, तो हमको वो ट्रू आउटपुट दे रहा था, नहीं तो वो फॉल्स आउटपुट दे रहा था. बायोपाइथन में हम डायरेक्टली इस तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते, हमको एरर मिल जाएगा. सो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देते हैं फ्रॉम बायो डॉट सेट इम्पोर्ट सीक्वेंस, एंड देन हमने यहाँ से जैसे हम सीक्वेंस रिकॉर्ड लेते हैं. सो फ्रॉम बायो डॉट सेट रिकॉर्ड इम्पोर्ट सेट रिकॉर्ड, एंड लेट्स से हमने कोई दो रिकॉर्ड्स क्रिएट कर लिए. एक क्रिएट करते हैं आर वन सेक रिकॉर्ड, एंड इसमें एक सीक्वेंस को हम स्टोर कर लेते हैं. लेट्स से ATGC, एंड देन एक इसको हम लोग आईडी दे देते हैं, लेट्स से 1 2 3, ठीक है. एंड एक और रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं आर टू एंड ATGC, इसको भी रख लेते हैं, एंड देन लेट्स से इसका भी आईडी हम लोग सेम रखते हैं फॉर नाउ, ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि हम लोग डायरेक्टली इसको प्रिंट कर सकते हैं. लेट्स से कि हमने एक कंडीशन दे दिया कि इफ आर वन इक्वल्स टू इक्वल्स टू आर टू प्रिंट ट्रू, और एल्स प्रिंट फॉल्स. सो व्हेन यू डू इन दिस वे, जब हम डायरेक्टली दो रिकॉर्ड्स को कंपेयर करते हैं, तो यू विल गेट एन एरर. एरर सेज दैट सीक्वेंस रिकॉर्ड कंपैरिजन इज डेलिबरेटली नॉट इंप्लीमेंटेड, एक्सप्लिसिटली कंपेयर द एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटरेस्ट. व्हाट दिस मींस इज कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू कंपेयर टू रिकॉर्ड्स टुगेदर, बायो पाइथन पुराने वर्जन में क्या होता था कि देर वॉज एन एरर सेइंग कि जब हम कोई भी दो सीक्वेंसेस को कंपेयर कर रहे थे, सो देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस, राइट, विच कैन बी चेंज्ड और विच कैन बी सेम. तो इशू क्या हो रहा था कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू कंपेयर टू सीक्वेंसेस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो सीक्वेंसेस बहुत छोटे छोटे हैं, लेट्स से कि दो सीक्वेंसेस हमारे पास हैं विच हैज लाइक 1000 और 10,000 बेस पेयर लॉन्ग. तो इशू क्या होता है कि देन एट दैट टाइम व्हेन यू आर कंपेयरिंग दोस टू सीक्वेंसेस, बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग वो प्रोसेस हो जाता है, एंड यू आर लाइक यू हैव टू हैव अ वेरी गुड डेटा सर्वर ताकि स्पीड तुम्हारा मेंटेन रहे उन दोनों सीक्वेंसेस को कंपेयर करने के लिए. तो उन्होंने क्या किया, जो अपडेटेड बायो पाइथन वर्जन आया उसमें उन्होंने ये डिफाइन किया कि डोंट ट्राई टू कंपेयर बोथ द सीक्वेंसेस एज इट इज, उससे बेटर ऑप्शन ये है कि दोनों सीक्वेंसेस के एट्रीब्यूट्स को हम कंपेयर करें, या उसके फीचर्स को डायरेक्टली कंपेयर करें, राइट, उसके आईडी को कंपेयर करें या उसके सीक्वेंसेस को हम कंपेयर करें. तो उससे क्या होगा, दैट विल बी मोर इजियर, क्योंकि अगर हम सिर्फ रिकॉर्ड बोल के कंपेयर कर रहे हैं, so what it will do is ki it will take the whole sequence and all the feature that sequence holds and it will compare everything, so that will be a time taking process. So it's better to compare two things or one thing at a time, like better to compare the id of two records or sequences of two records or name of two records. So what you need to do is ki you have to specify in the if loop what basically you are comparing. So what you can do is you can just say r1 dot id, let's say I want to compare id. So you can say r1.id, if r1.id equals to r2.id, then it will print true, otherwise it will give me a false result. So it says true. So what this basically means is you are explicitly comparing each and every, not like one thing at a time. You're not comparing the whole sequence together. You are just taking one attribute at a time and then comparing both the sequences, right? So this will be much faster process rather than just going and using the whole sequence. And even though you use the whole sequence, BioPython won't run it because that is not BioPython what it does. So that's why it will give you an option of saying that try to do comparison of individual attributes rather than the whole sequence together, which contains everything. Okay. Is this clear with everyone? How to do the comparison?
पर मतलब जैसे कि आर वन आर टू हमने क्रिएट किया, तो फिर ऐसे में हमें दोनों मतलब कॉपी पेस्ट करने पड़ेंगे पूरे सीक्वेंस अगर कंपेयर करना है हमें। हाँ तो ये बेसिकली ऐसा हो गया कि यहाँ पे ये हमने यूजर डिफाइन दिया राइट, वो छोटा मतलब आपने चार हाँ ठीक है, लेकिन लेट्स से कि तुम्हारे पास अगर कोई दो अलग अलग सीक्वेंसेस है ठीक है, टोटल डिफरेंट सीक्वेंसेस है जिनका आईडी भी डिफरेंट है, एट्रीब्यूट्स भी सब कुछ डिफरेंट है ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे चलो हमने चार न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस बनाया छोटा सा सीक्वेंस था, लेकिन लेट्स से तुम्हारे पास 10,000-20,000 सीक्वेंस लॉन्ग एक सीक्वेंस है ठीक है, डीएनए के दो सीक्वेंसेस है, दोनों अलग है, दोनों सेम है ही नहीं, तो उसमें होता क्या है इशू कि जब तुम रन करोगे तो पूरा जब सीक्वेंस तुम रन करने जाओगे ना, तो उस पूरे सीक्वेंस में वो उसका एट्रीब्यूट भी लेगा, उसका नेम भी लेगा, उसका डिस्क्रिप्शन भी लेगा, उसका फीचर्स भी लेगा, सब कुछ ले लेगा ठीक है, तो उससे क्या होता है कि इट विल बिकम अ टीडियस जॉब, कि वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्योंकि वो एक ही चीज को कंपेयर करेगा, पहले तो वो सीक्वेंसेस को कंपेयर करके देखेगा कि सीक्वेंसेस सेम है कि नहीं, उसके बाद फिर वो आईडी पे जाके कंपेयर करेगा, फिर वो डिस्क्रिप्शन पे जाएगा, फिर नेम पे जाएगा, फिर फीचर्स पे जाएगा, उसमें भी फीचर्स अगर मान लो दोनों सीक्वेंस, एक सीक्वेंस के पास 40 फीचर, एक के पास 100 फीचर्स है, तो वो हर एक फीचर्स को भी देखेगा राइट, तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, तो उससे बेटर होता है कि हम इंडिविजुअली एक एक चीज को कंपेयर करें, वो ज्यादा सेफ साइड रहेगा क्योंकि उसमें टाइम टेकिंग वो कम रहता है, जैसे हमने सिर्फ आईडी अगर रन किया तो आईडी तो छोटा सा ही आईडी होगा उसका, कोई बहुत बड़ा आईडी तो होगा नहीं सीक्वेंस का, आईडी हम क्रिएट करेंगे या फिर जो ऑर्गेनिज्म का गिवन होगा आईडी वो डालेंगे, वही डालेंगे, ये तो हमने जनरली ऐसे क्रिएट किया ना, ये तो एक रैंडम मैंने क्रिएट किया ठीक है, दोनों की आईडी आपने सेम रखी है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा कुछ, नहीं इसको चेंज कर देते हैं, लेट्स से इसका एक का आईडी हमने सिर्फ 1 रखा ठीक है, और उसको मैंने प्रिंट किया तो यहाँ पे मेरे को फॉल्स दे देगा क्योंकि इसका आईडी सेम नहीं है राइट, ये तो जस्ट जनरली क्योंकि हमने ऐसे एग्जांपल के लिए मैंने लिया, तो ये तो ऐसा एक्चुअली में इस तरीके का कोई सीक्वेंस होगा भी नहीं, आईडी ऐसा होगा भी नहीं, ये तो मैंने जनरली एक एग्जांपल के फॉर्म में लिया है राइट, जो एक्चुअल सीक्वेंस आईडी होंगे वो तो तुम एनसीबीआई से डाउनलोड करोगे, वहां पे जो उसके डिटेल दिए होंगे आईडी क्या है, कौन से स्पीशीज से आया, क्या है इसका प्रोसेस, वो पूरा वहां पे दिया होगा, ये तो जनरली एग्जांपल के फॉर्म में मैंने देखे तो समझा समझा। Okay, so now we will be moving to what is known as alignments. So basically, sir, alignment hote hain. Sir, nearest match nikal sakte hain? हाँ, nearest match भी तुम निकाल सकते हो। अलग-अलग इसमें भी हमारे पास algorithms होते हैं कि जो nearest match हो गया या k-tuple method हो गया, KNN algorithms होते हैं, अलग-अलग तरीके के जो algorithms होते हैं। So basically उसमें क्या होता है कि when you are importing, क्योंकि BioPython में क्या होता है ना, इन सारे packages का उन्होंने already package बनाया होता है। राइट, फॉर एग्जाम्पल जब हम ऑनलाइन सर्वर में जाते हैं तो ऑनलाइन सर्वर में बेसिकली जब हम लेट्स से अगर तुम क्लस्टर कर रहे हो या मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कर रहे हो, तो हम बेसिकली करते क्या है उसमें, खाली अपने सीक्वेंस को ऐड करते हैं, देन वहाँ पे जो सर्टेन पैरामीटर्स सर्वर ने दिए होते हैं कि ये गैप पेनल्टी होना चाहिए या ये हमारा जो भी इनका ऑप्शन होता है ब्लॉसम होना चाहिए, जो भी मैट्रिक्स मेथड वो यूज कर रहे हैं राइट, तुम उसको सिलेक्ट करते हो एंड देन रन कर देते हो, तो बेसिकली क्या होता है कि वो जो सर्वर होता है दैट इज ऑलरेडी इनबिल्ट विद द एल्गोरिथम दैट इट वांट्स टू यूज, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भी जो पैकेजेस BioPython ने क्रिएट किए हैं उसमें ऑलरेडी वो सारे एल्गोरिदम हैं, सो लाइक फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर पैकेज को चेक करना है तो व्हाट यू कैन डू इज कि उस डायरेक्टली पैकेज को इंपोर्ट करो, या फिर जहाँ पे तुमने BioPython इंस्टॉल किया है वहाँ पे तुम्हारे लाइब्रेरीज में वो पैकेजेस स्टोर्ड होंगे, तो डायरेक्टली उस पैकेजेस को भी तुम ओपन करके देख सकते हो कि वहाँ पे उन्होंने किस तरीके से वो एल्गोरिदम को लिखा हुआ है, लाइक किस तरीके से कोड्स में लिखा हुआ है राइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुम्हें वो पूरा का पूरा पैकेज मतलब कोड लिखने की जरूरत नहीं, बस तुम पैकेज इंपोर्ट कर ले रहे हो क्योंकि उस पैकेज में ही वो ऑलरेडी एल्गोरिदम उन्होंने बना के रखा हुआ है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू इंपोर्ट द पैकेज एज इट इज, अपने सीक्वेंसेस दे देने हैं एंड देन वो रन कर देगा अपने जो भी वो जिस एल्गोरिदम से उसको रन करना है। ठीक है सर। सो अभी हम लोग देखेंगे लाइक वी विल लुक एट द अलाइनमेंट्स, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ अलाइनमेंट्स दैट आर देयर, लाइक मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट हो गया, पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट्स होते हैं राइट, जिसमें तुम लाइक यू कैन डू अ ग्लोबल अलाइनमेंट एज वेल एज लोकल अलाइनमेंट भी हम कर सकते हैं। सो फॉर दैट फर्स्ट व्हाट आई वांट यू टू, एवरीवन इज कनेक्टेड टू, एवरीवन प्लीज ओपन योर ब्राउजर। ठीक है, ब्राउजर में गो टू दिस वेबसाइट pfam.xfam.org/family/browse। सर वो लिंक कब डाल दोगे क्या उसमें चैट बॉक्स? ओके ओके मैं लिंक डाल देता हूँ। ओके ओके मैं लिंक डाल देता हूँ। हाँ थैंक यू सर।
Everybody opened the website? Yes, sir. Okay. Now, what this PFAM basically is a short version of protein family. ठीक है? तो जितने भी तुम्हारे पास प्रोटीन फैमिलीज होते हैं, so P for protein, FAM for family, उन सब के यहाँ पे इन्होंने क्या किए हुए हैं? Alignment करके यहाँ पे उन सारे species के लिए उन्होंने रखा हुआ है. This is the basic idea. This is the accession number for those specific species. And कौन से type में आते हैं? वो क्या है? उनका family है, domain है, motives है, वो क्या है? वो सब यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है. What I want you guys to do is कि कोई भी इसमें से एक accession number पे click करना. But be sure कि वो ऐसा accession number हो जिसका seed बहुत कम होना चाहिए. Because you guys also download from torrent and all those things, right? So वहाँ पे you know what seeders and leechers are. So basically seeders will be अगर जिसका seeding कम रहता है वो ज़्यादा fastly तुम उसको वो कर सकते हो अपने program में run कर पाओगे. जिसका seeding बहुत ज़्यादा होगा that will be a really slow process to carry out using your BioPython. So download something जो जिसका seed बहुत कम हो. Don't download something जिसका seed 1 हो. ऐसा डाउनलोड करना इसका सीड 4 हो या 5 हो, समथिंग लाइक दिस. जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास एक है PF 18973, दिस वन यू कैन डाउनलोड. जस्ट क्लिक ऑन इट एंड इट विल ओपन अप अ न्यू विंडो. जस्ट अ सेक, it will open up something like this. सबने ओपन कर लिया क्या? Yes. Okay. तो just scroll at the very bottom and यहाँ पे एक download option होगा. What these guys do is कि ये लोग multiple sequence alignment या basically normal type का alignment करके they give you the final result in different formats. Like you have a zip format में होता है, Stockholm format में होता है, FASTA होता है. So what I want is कि go here. In the seeders part, seed part, and in the raw Stockholm one, and just download. Click on download. Once you click on download, something like this will open up. Okay, ये सबका start हुआ क्या? इस तरीके से ऐसा window आया क्या सबका? No sir, अभी just वो CBL family open हुआ है. Okay. ठीक है, कोई सा इशू नहीं है. जस्ट टेल मी वंस यू गाइस रीच दिस पर्टिकुलर विंडो. ओके सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट टू डू आफ्टर ओपनिंग द थिंग इज नथिंग इज ओपनिंग व्हेन आई ट्राई टू ओके यू गाइस हैव पबमेड आर्टिकल. यू गेटिंग अ पबमेड आर्टिकल? या ओके जस्ट अ सेक. Okay, you are getting this one, right? Not really. So I'm not getting that actually. Okay, do one thing. On the left hand side, there is a option of alignments. Do you see that? Sir, got it. Raja. Yes, sir. I got it now. Ha! Click on alignments. Okay. And then just scroll down and click on this one, seed one near raw Stockholm. Okay. Just click on it and this will open up something like this one, this window. Yes, sir. Right. Just do Control A and copy everything. Go to your PyCharm projects folder, create a new text file and paste it there. Okay. Everybody done with the copy pasting thing? Done, sir. Okay, and you can name that particular file in whatever way you want. For example, I have named it as PF 18973. So in any way you can name it whatever you want. Okay. Now I want you to go back to your Python PyCharm, right? And now what BioPython does is it provides you with an inbuilt function called as Align IO.
What basically Align IO does is it allows you to do like alignments of different like sequences that you have. Now we will be seeing two ways. Now the first thing that we'll be seeing is to extract the data that has already been multiple sequence aligned, that has already been aligned. So jo bhi data humne abhi download kiya wo already aligned hai format mein. हम लोग खाली उसको यहाँ पे बायो पाइथन के थ्रू खाली उसको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे एंड रिजल्ट देखेंगे. अनदर वन वी विल बी डूइंग एक्चुअल अलाइनमेंट यूजिंग बायो पाइथन. ठीक है, ये दो चीजें हम लोग देखेंगे. सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज की इम्पोर्ट अलाइन आईओ पैकेज. सो यू विल राइट फ्रॉम बायो इम्पोर्ट अलाइन आईओ. ओके, सेकेंड थिंग इज क्रिएट एनी वेरिएबल इन विच यू विल स्टोर द एक्सट्रैक्टेड वैल्यू. सो आई एम राइटिंग अलाइनमेंट, यू कैन राइट वॉट एवर नेम यू वॉन्ट. And then you'll call the package first, align io dot read. So basically we are just reading the file. We are not doing any kind of changes to that particular file. Jo bhi humne bhi download kiya. I'm just reading it. So I'll write dot read. And then I'll write open. And I'll open my file. So I've named it as PF 18973. I'll open it up. And then you have to also define the this one, the a format in which your file has been downloaded. So the format in which PFAM website server provides you is in Stockholm format. So you have to define the Stockholm format as well. So just write Stockholm, right? And then you can just print your alignment. So you'll write print alignment. So once you okay, so this is okay, I'm really sorry, I have to add .txt. Okay, so you can see it gives me the alignment in this way. It says that alignment with 4 rows and 50 columns. That means basically whatever sequences that this particular file contained, the alignment has been done using 4 rows, and there are in totality 50 columns are there between which the alignment has been provided to you, right? So in this way, you can check what sequences are there inside your file and how those files have been aligned, in how many rows alignment has been done, and in how many columns the alignment has been done. So this is basically just to check the result. Like if you have the result file with you, you're just exporting the result file using your BioPython package. Okay, is this clear with everyone? Yes, sir. Now, sometimes what happens is that when you are doing a normal sequence alignment, it can be that maybe ki wo ek particular sequence hai, it can be 2 sequences at the most when you're doing a normal sequence alignment, right? So in that case, dot read format is very much applicable. But sometimes what happens is ki your file contains a large number of DNA sequences, like jo alignment ho raha hai, that is like between like 3, 4, 5, 6, 7, 8, whatever amount of DNA sequences you have. So at that time, what happens is dot read format doesn't actually hold true. So in that case, what you guys need to do is replace the dot read format using something called as dot parse. Basically, you are parsing the file. So because it is only applicable to those files which contain a large amount of data. So now that we have taken only a small file which contains only 4 seeds, but there are also files which contain like 200 or 500 seeds. So in that case, dot read format will be really not beneficial for you to use, because it will be काफी slow in that case. It will take some time. So in that case, dot parse option is a very good option, because वो एक बार में पूरा file को parse कर देता है, एक ही बार में पूरे के पूरे data को तुम्हें सामने दे देगा वो, right? So in that cases, just use dot parse function, and then what you can do is you can just print your alignment function, and also let's say I want to go through or iterate through each and every sequences of this one. So what I can do is I can just use a for loop saying for align in alignment print align, and let's see what this particular thing gives me. So it will give me the same thing, right? Because what happens is if you're just printing a print alignment, it will give you whatever DNA sequences that you have as it is. Even and this one is also doing the same thing, because you are running it in a loop, like you are going through each and every DNA sequences. So it is also giving you the same result only. So there's no like discrimination between this particular command and this particular command. Okay, so this is how you can use a dot parse function as well. So basically dot parse is applicable where you have like results file which contain large amount of DNA sequences, like which have seeds value which are more than 200 or 300, something like that.
at that time it is beneficial to use a dot parse. And whenever you are importing the file, be very much clear with the dot txt format. So in which format you have stored your file, you also have to give the extension here. So even if I don't write dot txt here, even if just I have written the name of the file, not the extension in which I have stored, so it will give me an error saying that there is no file in the directory, because the directory doesn't recognize a file named as pf181973. So you have to give the extension as well, .txt, as well as the format in which the result has been stored, that is the Stockholm format. So once you do it, then it will be exporting all the data from that particular file and giving you the results. So this is consisting of file which have only four rows, right? I can also have another file which contains only one row. So I have another file as 181971, and this contains only one row. So it will give me something like this: alignment with one rows and 876 columns. So because 876 columns is a really large number of columns, that's why you don't get the whole sequence here, and it gives you a dot 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 in this format. Okay. Also, one more thing to keep in mind from now onwards is whenever you are running your program in BioPython, just to know when your Python program has finished, you have to see in the output that you get these three arrows. Once you get these three arrows, that means your program has finished now. If you don't get these three arrows, don't be impatient. That means your program is still running, because this thing we will be noticing in BLAST when we will be doing the BLAST thing. At that time, we will see key. If this thing doesn't come, don't stop your program or don't close PyCharm, because it is still running. Because when you're performing your BLAST or your multiple sequence alignment using BioPython, it will take some time depending upon the network, your network as well as your RAM, how much your RAM is for your computer. That will majorly cause the delay, or it will speed up your process of multiple sequence alignment. Is this clear with everyone? Yes, sir. Yes. Now we will be looking at what is known as a pairwise sequence alignment. Okay, so for pairwise sequence alignment also, we can directly either go to the server, and then from the server we can just paste our, and pairwise sequence alignment basically is the alignment between two sequences, because it's a pair, right? So what happens is basically you can directly go to the server and give the input DNA sequences, give the corresponding conditions, whatever condition you want it, and then you can just do the pairwise sequence alignment. But in BioPython, BioPython provides you with a different kind of package that is inbuilt in BioPython, known as pairwise 2. That is what we will be using here. So to import that package, what you guys need to do is write from bio import pairwise 2. So this pairwise 2 basically is an inbuilt package of BioPython that does the pairwise sequence alignment. Okay, so you can just import it. And then let's say I want to do the pairwise sequence alignment of two random nucleotides, okay, which will be user defined. So because I want to write two sequences, so there are two ways either which you can do this. Either you can directly copy paste, let's say, a particular DNA sequence from your NCBI website, directly paste it here. Or you can create, if you know the sequence, you can just create two sequences and do the pairwise sequence alignment. So here I will be creating two random sequences and doing the pairwise sequence alignment of those sequences. So because I want to write a sequence, I will do from bio.sec import sec, that is I'm importing my sequence. And then let's say I've defined two sequences, sequence one, and I will be using a small sequence, let's say ATGC ATA, whatever it is. Okay, and then I'm writing another sequence, sequence two. And just to show you in the output that there, the pairwise 2 package actually does the sequence alignment, I'll be creating a sequence where certain nucleotides will be matching. Like in the second sequence, a certain nucleotide will be actually in the same place as compared with the first nucleotide. So let's say I start with G, C, then G, C, A, T, and let's say T and C. Okay, so that certain nucleotides are in the same place as compared to the first sequence. So now that I've created two sequences, now I want to do the pairwise sequence alignment of these two sequences. Now what I can do is I'll define a variable in which the alignment function will be stored. So I'll create what is known as alignments. And then I'll first call the package, that is the pairwise.